मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट, देश भर के इन राज्यों में होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भारी बारिश। 13 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी से भी अत्यधिक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं कहीं पर बाढ़ को लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में भी बादल छाए रहने के साथ ही अलग अलग स्थानों पर तेज गति से हवाएं चलने, हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो सकती है, तो कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। अनुमान है कि दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 जुलाई को तटीय ओडिशा और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो कि छत्तीसगढ़ से होता हुआ विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने से पहले ही यह मजबूत हो जाएगा। यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात क्षेत्र में पहुंचेगा, जिसके असर से एक बार फिर से भारी बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा। राजस्थान राज्य में भी आज 13 जुलाई के दौरान राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दक्षिणी व पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की प्रबल संभावना है। जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश व कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राज्य में 16 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी गरज और चमक के साथ में बारिश और बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी। राज्य में 13 जुलाई के दौरान बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जबकि राज्य में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी से भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज मानसूनी बारिश का दौर भी शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल, सागर, रीवा, सतना, मेहर, पन्ना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में तेज बारिश के आसार भी जताए गए हैं। शहडोल, जबलपुर, सागर और रीवा संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश का दायरा बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में भारी से भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। आज गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम से जुड़ी यह जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।